साथ लड़े, खुल करके लड़े, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पत्नी के ऊपर एक नहीं दर्जनों केस देवघर में किया गया। और केस ही नहीं किया गया, बार बार थाना की ओर से यह नोटिस भी दिया गया कि वे सशरीर उनको उपस्थित होना चाहिए, जबकि कहीं भी कोई इस प्रकार के नियम नहीं। अगर जमीन में कोई रजिस्ट्री में कोई अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए विभाग है, वो सारी चीज़ें देखेगी, लेकिन जानबूझ करके परेशान कर रहा था सर। और उसके कारण से उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने आज जो हुआ पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पहले तो जिन लोगों ने गलत तरीके से निशिकांत जी के पत्नी के ऊपर जो केस किया, उन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका अर्थ ये होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री ही, राज्य में बैठी हुई सरकार ही जो विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए परिवार तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, परिवारों को भी परेशान कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और इसलिए फिर हम ये मांग करते हैं कि जिन जिन पदाधिकारियों ने जो गलत किया है सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी।